टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सुनसान रास्तों पर महिलाओं के साथ लूटपाट करने वाले मुंब्रा के दो आरोपियों को ठाणे शहर की कलवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटपाट के किए गए 2 लाख रुपयों की ज्वेलरी भी पुलिस ने बरामद की है। दोनों आरोपी मुंब्रा के रहने वाले हैं। इनके नाम है कासिम जाफर कादरी और हुजैफा अफसर शाह। ये दोनों चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देते थे। ये दोनों आरोपियों ने कलवा में एक सुनसान रास्ते से गुजर रही एक सुनंदा नाम की महिला से चैन स्नेचिंग कर फरार हो गए थे और महिला ने कलवा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। कलवा पुलिस ने अब इन दोनों आरोपियों को गुप्त जानकारी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है, जहां पूछताछ में इन दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इन्होंने अकेले ही कलवा में करीब 4 बार चैन स्नेचिंग के अपराध की घटना को अंजाम दिया है। इनके पास से अब तक 2 लाख रुपयों के सोने चांदी के ज्वेलर्स बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में ACP वेंकट आंधले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी है। सुनंदा बाजीराव चास्कर 60 साल की उम्र की महिला है, पारसी नगर में रहती है, कड़वा में। वो 12 बजे 5 तारीख को घर से जा रहे थे। टोरंटो ऑफिस के जो सामने है वहाँ पर 2 लोग जो थे मोटरसाइकिल पे आए और उनके गले में की 15 ग्राम की जो चेन थी वो छीन के लेके गए। उसके ऊपर कड़वा पुलिस स्टेशन में 6/2022 FIR रजिस्टर हुई है, जिसका सेक्शन है 392 और 34 तो उसके हिसाब से हमारे जो PI है, सीनियर PI आवार साहब और क्राइम के PI आजगांवकर साहब और इनके BB के जो PSI है बगदानी साहब और उनका स्टाफ, इन्होंने टीम बनाई। उस जो टीम ने 4/3/2022 को जब पेट्रोलिंग चल रही थी तो पेट्रोलिंग में 2 मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे थे, इनको डाउट आया तो इन्होंने रुकाने की कोशिश की और रुके नहीं तो उन्होंने पाटलाक करके उनको पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद जब उनको मालूम पूछा तो वो कोई ऐसा आंसर नहीं दे रहे थे जो हमको बरोबर लग रहा था। उनको ज़्यादा पूछने के बाद उन्होंने बोला है कि 4 मंगलसूत्र की चोरी उन्होंने की है इस एरिया से और 4 मंगलसूत्र का माल उन्होंने निकाल के दिया है। उसका कम से कम कीमत 2 लाख रुपए है। वो 2 लाख रुपए का माल और एक मोटरसाइकिल उनसे जब्त की है। उसमें जो 2 आरोपी है, हुजैफा अफसर शाह और दूसरा है कासिम जाफर कादरी, ये दोनों को अरेस्ट किया है। 9 तारीख तक उनकी PCR है और कोई उनके पास से मंगलसूत्र मिलता है या सिटी में कहीं किया है इसकी मालूम लिया जा रही है। और इनके बारे में और पूछताछ है कि इन्हें पहले कोई गुनाह इन्होंने किया है क्या, मुंब्रा में किया है क्या और कोई नई मुंबई में किया है क्या, उसके बारे में पूछना चालू है। जो भी मालूम मिलेगी वो दी जाएगी। इनके बारे में अभी तक तो यही 4 FIR है, रजिस्टर है मंगलसूत्र की चोरी, अभी तो नहीं है लेकिन मालूम ली जाएगी और कहीं जाके मुंबई में वगैरह किया है क्या इन्होंने उसके बारे में मालूम किया जाएगा। महिलाओं को क्या आवाज है? महिला को यही बोलेंगे कि महिला को जाना है सब मॉर्निंग वॉक को कहीं जाना है तो सिक्के तो जो डुप्लीकेट आता है मंगलसूत्र यूज करें। अगर यूज ही करना है असली तो उन्होंने मेन रोड से जाना चाहिए, कई छोटे रास्ते से जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और सामने वाला कोई पूछने को आ रहा है कि इधर का एड्रेस कहाँ जाता है, ये रोड कहाँ पर जाता है, तो उनके ध्यान दो कि उनका पूछने का तरीका कैसा है और पूछने वाला सही है कि झूठा है, इसके ऊपर ध्यान दें और अपना मंगलसूत्र संभालें। महिला दिन के लिए हमारे पास 4 मंगलसूत्र रेडी है, हमने इन्फॉर्म किया है उन लोगों से जिसका मंगलसूत्र गया है, उनको जल्दी ही ये वापस किया जाएगा। तो इससे बड़ा खुशी का दिन और उनके लिए क्या होगा। 9 तारीख तक पुलिस कस्टडी है, अगर आगे भी उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में जो भी जिन्होंने काम किया है, बगदाने है, आजगांवकर साहब है और सबके डायरेक्शन देने वाले सीनियर PI आवारा साहब है, उनका रिकमेंड किया जाएगा वरिष्ठों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बख्शिश दिए जाए।